हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिनोल को स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो नॉर्मली बिकॉज इसमें ओएच ग्रुप है, इसलिए हम इसको एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, कीप इन माइंड। और यू नो वेरी वेल, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, इसको फिनाइल बोलते हैं, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है, उस पर OH लग गया है, तो फिनाइल एन प्लस एल्कोहल का ओल, सो दिस इज कॉल्ड फिनोल। क्लियर? फिनोल का जो मेन सोर्स है वो कोलतार है, आप सब लोग जानते हैं, और इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड। क्लियर? द कॉमन नेम ऑफ दिस एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज कार्बोलिक एसिड। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। तो आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग में एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एंड फिनोल का जो आपका ऑक्सीजन है उसने दो बॉन्ड्स बनाए हैं, तो वहां पर दो लोन पेयर है। क्लियर? यही फिनोल की प्रॉपर्टी को यूनिक बनाएगा। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्लियर? दिस ग्रुप इज कॉल्ड फिनाइल एंड दिस इज एल्कोहोल, सो फिनाइल प्लस ओल्स, देयर फोर इसका जो कॉमन नेम है वो फिनोल आप बोल सकते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड एंड इट्स मेन सोर्स इज कोलतार। तो नॉर्मली हम जब भी कभी देखेंगे तो फिनोल ही बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है? नाउ नोमेनक्लेचर हम देखते हैं, और नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम फिनोल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फिनोल की बात करेंगे, फिनोल और फिनोल से बने हुए कंपाउंड। तो यू नो वेरी वेल, अगर फिनोल पर मिथाइल ग्रुप आ जाए ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज कॉमनली नोन एज ऑर्थो क्रिसोल। एक बात आप ध्यान रखिए सब लोग, एरोमेटिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम काफी फेमस होते हैं, पॉपुलर होते हैं, उन्हीं को हम काम में लेते हैं। अगर मेटा पोजीशन, सो 1-3 पोजीशन पे, तो दिस इज कॉल्ड मेटा क्रिसोल, और अगर पेरा पोजीशन पर CH3 है 1-4, तो दिस इज कॉल्ड पेरा क्रिसोल। क्लियर? तो आप IUPAC नेम भी बोल सकते हैं, IUPAC नेम है इसका 2-methylphenol। क्लियर? मैंने कहा ना आपसे, फिनोल इज कॉमन नेम, इज वेरी फेमस, 3-methylphenol एंड 4-methylphenol। तो पोजीशन के साथ भी आप बता सकते हैं, यहां पर पोजीशन है 2, यहां पर पोजीशन है 3, एंड आपका जो पेरा क्रिसोल था उसके अंदर पोजीशन है 4। क्लियर? कई बार आप एंगल्स भी ध्यान रखिए, जब भी कभी रिंग में 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड ऑर्थो। जब भी यहां पर 120 डिग्री के एंगल पर है, दिस इज कॉल्ड मेटा, और जब 180 का है तो दिस इज कॉल्ड पेरा। तो ऑर्थो मेटा पेरा भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक कंपाउंड मैंने बताया है क्रिसोल, ध्यान में रखिए, ठीक है? चलिए दूसरा हम देखते हैं। अगर दो OH ग्रुप है, कीप इन माइंड, इफ टू OH ग्रुप क्लियर प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, तो देखिए बड़ा मजेदार केस है ये, ऑर्थो मेटा और पेरा पोजीशन पे नाम चेंज हो जाते हैं। अगर ऑर्थो पर है, डेट इज कॉल्ड केटाकोल, अगर मेटा पर है, दिस इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल, और अगर पेरा पर है, तो दिस इज कॉल्ड क्विनोल। तो 1-बेंजीन 1-2-डायोल, बेंजीन 1-3-डायोल एंड बेंजीन 1-4-ट्राईओल, ये भी बोल सकते हैं हमें, दिस इज ट्राईओल। जैसे यहाँ डायोल लिखा, तो यहां मुझे लिखना दिस इज नॉट डायोल, दिस इज वॉट ट्राईओल। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है? बिसाइड दिस कुछ और कंपाउंड आते जाएंगे चैप्टर में और हम आपको बताते जाएंगे। सबसे पहले हम पावर मैप को लर्न करते हैं, और वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का पावर मैप। मैं पावर मैप मेथड को बहुत बेस्ट मेथड मानता हूं, क्योंकि सारी रिएक्शन एट ए ग्लांस आपके सामने आ जाती है, किसको बनाना है, हमको फिनोल को बनाना है, ठीक है? तो फिनोल को बनाना है, तो पहला है फ्रोम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अभी
मेरा पर्पस बिल्कुल अलग है। मेरा पर्पस अभी ये कि आपको कम से कम सबको ये रिएक्शन लर्न हो जाए कि बनाना किससे है। तो फ्रॉम बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए C6H5SO3Na, फ्रॉम इससे बनाना है बाय द एक्शन ऑफ NaOH, क्लियर। हीट करना पड़ेगा एंड यू विल गेट फिनोल। तो मेरा पर्पस ये कि आपको ये आना चाहिए सबसे पहले। नंबर टू, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ये फॉर्मूला भी आना चाहिए C6H5N2Cl। मेरा पर्पस ये नहीं कि रिएक्शन कैसे आएगी, पावर मैप में मेरा पर्पस है कि आपको मालूम चले कि किससे बना सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा, हीटिंग। पर्पस समझ में आ रहा है सब लोगों को आपको, है ना। पर्पस बच्चों आना चाहिए कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि एट ए ग्लांस हमको पूरा पावर में नजर आ जाए, हमको हमको ये आ जाए कि हमको बनाना किससे। तो फर्स्ट मेथड आ गया फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फॉर्मूला भी आना चाहिए एंड बाय द एक्शन ऑफ NaOH, ये हमको पहले आना चाहिए। सेकंड है फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट C6H5N2Cl, और इसका क्या करना है, रिएक्शन विथ वाटर और हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा कहती है मुझे एक बार देखो, हजार बार देखो, मैं देखने की चीज हूं, मुझे बार बार देखो। जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे उतना ये आपको लर्न होगी, लंबे समय तक लर्न होगी, क्लियर। तीसरा है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड, देखिए ये एक नया कंपाउंड आया सोडियम सेलिसिलेट, OH और ऑर्थो पोजीशन पे COH लगता, अगर H होता तो सेलिसिलिक एसिड, यहां पर सोडियम लगा दिया तो सोडियम साल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सोडा लाइम। नाउ व्हाट इज सोडा लाइम, NaOH एंड COH, दिस इज कॉल्ड सोडा लाइम ऑन हीटिंग, यू विल गेट फिनोल। तो फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड, मैं फिर आपसे कह रहा हूं इस पावर मैप को जब पढ़े मैं भी आपको दो बार रिपीट करके बताऊंगा, आपको लर्न हो जाना चाहिए कि ये मेथड से जिससे मुझे बनाना है, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज RMGX बाय ऑक्सीडेशन, यू विल गेट फिनोल। तो आपको आना चाहिए व्हाट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, RMGX एल्काइल मैग्नीशियम एलाइन बाय ऑक्सीडेशन, क्लियर। फिर देखिए बाय हीटिंग फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ऑलराइट C6H5Cl, बाय हीटिंग विथ NaOH एट हाई प्रेशर, इसको डाउस प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, आपको फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, ऑल राइट, लेकिन क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला भी आना चाहिए C6H5Cl, करना क्या है, बाय हीटिंग, ऑल राइट, किसके साथ, NaOH के साथ, एट हाई प्रेशर, दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस, फ्रॉम बेंजीन, ठीक बात है। फिर करना क्या है, बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2, क्लियर। तो आपको फिनोल मिलेगा। एंड फिर है आप देखिए फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन का फॉर्मूला आना चाहिए, बेंजीन उसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, बाय ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, तो यू विल गेट व्हाट, फिनोल, क्लियर। ये सब जो मैं आपको मेथड्स बता रहा हूं, कीप इन माइंड, ये पावर मैप है और आपको लर्न करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात बोल रहा हूँ, आपको लर्न करना है, ठीक है। एक बार फिर करके देखते हैं इन सबको, मेथड्स को एट ए ग्लांस करके देखते हैं। नाउ वेरी फर्स्ट, फ्रॉम बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसका फॉर्मूला आना ही चाहिए आपको, C6H5SO3Na, क्या किया, बाय द एक्शन ऑफ एल्कली NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड राशिंग्स प्रोसेस, ओके। सेकंड, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक बात है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर, अब बेंजीन डाइजोनियम का फॉर्मूला आना चाहिए और वो दिस विल गिव्स यू फिनोल। कोई जल्दी नहीं है, आराम से देखिए, बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से देखें। थर्ड, फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सोडा लाइम, तो पहले आपको आना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड, तो OH है और पैरा पोजिशन पे COH, बाय द एक्शन ऑफ सोडा लाइम, तो सोडा लाइम आपको आना चाहिए, NaOH एंड CO, फिर मिलेगा तो फिनोल, मालूम है, इसमें तो कोई नई बात होने वाली है नहीं है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम में है नहीं है आप लोग। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
आर एम जी एक्स ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला करना क्या है बाय ऑक्सीडेशन। की पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, जब आप की पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो आपका ये फटाफट होगा। फिर फिफ्थ नंबर पर देखिए डाउस प्रोसेस करना क्या है, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन C6H5 उसके बाद हीटिंग विद NaOH। तो ये क्लोरोबेंजीन और इसको मैंने हाईलाइट किया है और कौन सा है डाउस प्रोसेस। नेम रिएक्शन जहां आता है केमिस्ट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो केमिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर नेम रिएक्शन है, मैं हमेशा बोलता हूं जहां पर नेम रिएक्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शन है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कुछ हटकर है वही एग्जाम का क्वेश्चन है, किसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है आगे देखते हैं, लास्ट कुछ और रिएक्शन है हमारी, इनको भी हम करके देखते हैं। क्लियर, फ्रॉम क्यूमीन तो आना चाहिए ना, व्हाट इज क्यूमीन, ये जो CH3COH है ये आपका क्यूमीन है, ये जो CH3COH है ये आपका क्यूमीन है। ठीक है बेंजीन रिंग पे पहले ऑक्सीडेशन करना है आपको, हाईलाइट कर दीजिए, और बाद में आपको हाइड्रोलिसिस करना है तो यू विल गेट फिनोल। ठीक है एंड लास्ट है आपके रिएक्शन जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, और वो रिएक्शन है आपका फ्रॉम बेंजीन। ठीक है देख लेते हैं, बेंजीन तो सबको मालूम है, बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड तो यू विल गेट व्हाट फिनोल। तो ये आपको यहां पर फिनोल मिलेगा। तो एक साथ एट ए ग्लांस जब आप देखेंगे एक बार दो बार तीन बार, और मेरा आपको सजेशन है कि आप रफ कॉपी में आप इसको लिखिए अच्छी तरह से क्लियर और करने की कोशिश करिए। वंस यू नो द पावर मैप, मतलब आपको ये सब आ गया है कि अब आप रिएक्शन को कर सकते हैं, तो लर्न करेंगे पावर मैप को। जैसे मुझे याद है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट C6H5SO3Na बाय द एक्शन ऑफ एल्कली NaOH, सेकंड बाय डाइएजोनियम सॉल्ट बाय द एक्शन ऑफ वाटर, थर्ड फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ सेलिसिलिक एसिड, स्ट्रक्चर भी बोल के देखिए कई बार बोलना पड़ता है, बाय द एक्शन ऑफ सोडा लाइम, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द ऑक्सीडेशन। क्लियर ये सब आना चाहिए आपको, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय हीटिंग विथ NaOH एट हाई प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड डाउस प्रोसेस, एंड फ्रॉम क्यूमीन बाय ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलिसिस, ओके एंड लास्ट फ्रॉम बेंजीन बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड O2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। इस तरह से आप टू टाइम्स थ्री टाइम्स बोलिए देखिए, और फिर एक पावर मैप को बना लीजिए, इससे आपका आधा काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिएक्शंस को सारी देखेंगे। ऑल राइट तो ये आपको अच्छी तरह से करना है, और मेरा सजेशन है मैं हर बार कहता हूं कि पावर मैप को लर्न करो, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि फिनोल को बनाने के लिए कितना प्रिपरेशन मेथड है। क्लियर कितनी प्रिपरेशन मेथड है फिनोल को बनाने के लिए, और राशिंग प्रोसेस डाउस प्रोसेस पे आपको फोकस करना है क्योंकि वो नेम्स रिएक्शन है। ठीक है ये आपको सारा के सारा करना है। तो ये प्रिपरेशन मेथड हुई है, इसका मतलब कौन सा है, केवल पावर मैप है ये, पावर मैप कभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आगे जब अभी रिएक्शंस पे जाएंगे तो आपके लिए बहुत काम आसान हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।